याद है कुछ पोटेंशियल एनर्जी के बारे में? भूल गए? वर्क डन वगैरह पढ़ा था, वर्क एनर्जी वाला। जल्दी से देखो, एक क्विक रिवीजन कर लेते फटाक से, है ना? तो बताओ, सबसे पहले वर्क डन कैसे निकालते थे? कांस्टेंट फोर्स के लिए कैसे निकालते हैं? एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। कब? जब फोर्स तुम्हारा कांस्टेंट है। फॉर कांस्टेंट फोर्स, कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। अच्छा, अगर वेरिएबल फोर्स होता है तो छोटा सा वर्क डन क्या होता है? एफ वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। डी एस वेक्टर क्या होता है यहाँ पे? भूल गए? डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, ऑलवेज हमेशा यही होता है डी एस वेक्टर। और नेट वर्क डन क्या होता है? इंटीग्रेंट एफ वेक्टर डॉट, है ना, आर वन वेक्टर से आर टू वेक्टर। मतलब जिस पोजीशन से किस एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं ना बॉडी को, तो इनिशियल पोजीशन का पोजीशन वेक्टर और ये फाइनल पोजीशन का पोजीशन वेक्टर। ठीक है, ये याद है? इस पर हमने बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह करे हैं, खोल के देख लेना, अगर डाउट है तो एक बार जाके रिवाइज कर लेना। ठीक है, तो ये तो था। फिर हमने एक चीज़ और देखी थी, हमने फिर फोर्सेस को दो कैटेगरी, पहले तो वर्क डन निकालना सीखा, फिर हमने फोर्सेस को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया था। एक कंजर्वेटिव फोर्सेस बोलने लगे थे, दूसरा नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो क्या फ़र्क था उन दोनों में? हमने बोला कि अगर जो वर्क डन है वो पाथ के इंडिपेंडेंट है तो कंजर्वेटिव फोर्स कहलाएगा। कंजर्वेटिव फोर्सेस में वर्क डन क्या होता है? पाथ के इंडिपेंडेंट। और अगर एक आप लूप में जाते हो तो वर्क डन क्या हो जाता है? ज़ीरो। ये हमारे कंजर्वेटिव फोर्सेस की डेफिनेशन है। अगर वर्क डन पाथ के इंडिपेंडेंट है और एक बस यही है डेफिनेशन, तो उसी से उसका ही एक रिजल्ट होता है कि अगर आप एक लूप में जाते हो तो वर्क डन ज़ीरो हो जाएगा। फिर हमने ये पहचानना भी सीखा था कि कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कैसे पहचानेंगे। क्या होता है बताओ? फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस कंडीशन क्या होती है? मतलब कंडीशन तो ठीक है, अब निकालेंगे कैसे मैथमेटिकली? मैं तुम्हें एक फोर्स बोल दूँ, एक्स स्क्वायर वाई आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जे कैप, ऐसा कुछ भी फोर्स बोल दिया, बताओ ये कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव? तो उसके लिए हम क्या करते थे? कर्ल, है ना, उसका कर्ल क्या होना चाहिए? ज़ीरो। जिस फोर्स का कर्ल ज़ीरो होगा उसको हम क्या बोलते थे? कंजर्वेटिव फोर्स है। और कर्ल होता क्या है भाई, कैसे निकालते थे? आई कैप जे कैप के कैप, डेल वाई डेल एक्स, डेल वाई डेल वाई, डेल वाई डेल जेड। यहाँ पे क्या आ जाता है? एफ एक्स एफ वाई एफ जेड। ये तुम्हारा कर्ल होता है ना, ये तुम्हारे पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं एक्स वाई और जेड में, है ना, ये एक्स वाई जेड में तुम्हारे क्या है? कंपोनेंट्स। तो जब भी ये कर्ल जीरो होगा तो वो फोर्स हमारा क्या होगा? कंजर्वेटिव। याद है ये? देखो रिवीजन है, क्विक रिवीजन है ना, अगर और ज़्यादा चाहिए तो जाके नोट्स रिवाइज करो। बाकी इन सब पे भी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस करे थे। और जो भी एक ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, अगर किसी फोर्स का कर्ल जीरो नहीं है तो वो कंजर्वेटिव नहीं होगा। ठीक है, चलो ये भी हो गया। फिर उसके बाद हमने देखे थे कुछ स्पेशल टाइप के कंजर्वेटिव फोर्सेस। हमने देखा था सेंट्रल फोर्सेस, है ना। सेंट्रल फोर्सेस क्या होते हैं? कोई भी फोर्स, लिख रहे हो क्या? लिख रहे हो तो लिख लिया होगा फिर। तो सेंट्रल फोर्सेस अपने क्या होते थे भाई? इतना पता है कि जो भी सेंट्रल फोर्सेस होते हैं, ऑल सेंट्रल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव। ये हमने प्रूफ भी करा था, ऑल सेंट्रल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव। अब सेंट्रल फोर्स होता क्या है भाई? कोई भी फोर्स जो इस तरह का हो, क्या होता है भाई सेंट्रल फोर्स? एक तो उसका जो डायरेक्शन है वो या तो आर कैप या माइनस आर कैप होना चाहिए। मतलब वो फोर्स या तो किसी एक सेंटर से रेडियली आउटवर्ड जाए या इनवर्ट जाए, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, ये सेंट्रल फोर्सेस हैं। और दूसरा, उसका मैग्नीट्यूड सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस पे डिपेंड करे। मान लो ये तुम्हारा सेंटर सी है, इस पॉइंट पे पी पॉइंट पे तुम्हें फोर्स निकालना है, तो ये जो फोर्स होना चाहिए या तो ये रेडियली आउटवर्ड हो या इनवर्ड हो। मतलब अगर ये सेंट्रल फोर्स है तो ये क्या होता है? आर का फंक्शन होता है, वेयर आर इज डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। मतलब उसका मैग्नीट्यूड सिर्फ सेपरेशन के साथ बढ़ेगा या कम होगा। और डायरेक्शन क्या होता है? आर कैप या फिर माइनस आर कैप। समझ में आ गया? ये तुम्हारा क्या होता है? कोई भी फोर्स जो इस तरह का होगा सेंट्रल फोर्स होगा। तो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है बताओ? ग्रेविटेशनल फोर्स हम कैसे निकालते हैं? जी एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर इंटू आर कैप माइनस आर कैप। वो एट्रैक्टिव होता है नेचर में, ग्रेविटेशनल फोर्स एट्रैक्टिव होता है नेचर में। तो देखो, इसका मैग्नीट्यूड सेपरेशन के स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा है इन्वर्सली,
और डायरेक्शन क्या है, रेडियली इनवर्ट। तो ये क्या है तुम्हारा, सेंट्रल फोर्स। कूलम फोर्स कैसा हो जाता है बताओ अपना, के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर आर कैप। अगेन देखो बिल्कुल सेम है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स और कूलम फोर्स दोनों ही क्या है हमारे, सेंट्रल फोर्सेज हैं, एंड ऑल सेंट्रल फोर्सेज आर कंजर्वेटिव। ये एग्जाम्पल होगा तुम्हारे सेंट्रल फोर्सेज के, है ना, एग्जाम्पल ऑफ सेंट्रल फोर्सेज। ये इतना तो लिख लो, बताओ यहाँ पर कोई डाउट है क्या। ठीक, तो फिर हमने फोर्सेस को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव, वो हमको पहचानना भी आ गया। अब एक क्वेश्चन होता है, ठीक है कंजर्वेटिव फोर्सेस तो क्या करें, तो हमको पता चला जो मैक्सिमम फोर्सेस हम एनकाउंटर करते हैं वो कंजर्वेटिव ही होते हैं। दुनिया में चार फोर्सेज हैं और लार्ज स्केल पर यही दो फोर्स दिखते हैं तुम्हें, दोनों के दोनों कंजर्वेटिव हैं। समझ में आई बात, ठीक है। इसके अलावा फिर हम एक पढ़ेंगे मैग्नेटिक फोर्स, है ना, है ना, अभी मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर में, तो उसको हम बताएं, उसके लिए हम कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव कुछ भी बोलते ही नहीं है, क्योंकि अभी हम पढ़ेंगे कि उसका वर्क डन हमेशा ही जीरो होता है, हमेशा ही जीरो होता है। तो कंजर्वेटिव बोलना है कंजर्वेटिव बोल दो, नॉन कंजर्वेटिव बोलना है नॉन कंजर्वेटिव बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वर्क डन बाई मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज जीरो, कभी वो वर्क ही नहीं करेगा। पर ठीक है, उसकी कहानी अभी आगे है, अभी तो इन दोनों से मतलब है। ठीक है, तो अब हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्स आ गया, तो हमने कहा कि भाई कंजर्वेटिव मैक्सिमम क्वेश्चंस में कंजर्वेटिव फोर्सेस ही आएंगे, क्योंकि नेचर में यही डोमिनेटिंग फोर्सेस हैं तुम्हारे। तो जब भी इस तरह के फोर्सेस आए तो उनको मैथमेटिकली सिंप्लीफाई करने के लिए हमने एक कंसेप्ट दिया, हमने कहा कि हम मैथमेटिकल सिंप्लिसिटी के लिए एक नई चीज़, एक नई तरह की फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करी, उसको हमने क्या बोला, पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो याद रखना, पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ किसके लिए डिफाइंड होती है, कंजर्वेटिव फोर्सेस, उन्हीं के लिए डिफाइन कर सकते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी को किस तरह से डिफाइन करा बताओ, क्या होती है डेफिनेशन, क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी की, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ये तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, डेल यू इक्वल टू, और वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स मतलब कैसे लिख सकते हो, कंजर्वेटिव फोर्स इंटू टी एस, ऐसे भी लिख सकते हो, दिस इज द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो डेल यू क्या आ जाएगा तुम्हारा, इंटीग्रेंट माइनस कंजर्वेटिव फोर्स डॉट टी एस। ये तुम्हारा क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का सिर्फ चेंज ही डिफाइन किया जाता है ना, अगर हमें एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करना चाह रहा हूँ तो फिर क्या करते हैं हम, क्या तरीका होता है, हम किसी रेफरेंस लाइन मान लेते हैं ना, कोई रेफरेंस पॉइंट या रेफरेंस सरफेस, वहाँ पर हम बोल देते हैं पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, और फिर उसके रिस्पेक्ट में बाकी सारी जगह डिफाइन कर लेते हैं। जैसे अगर मुझे इस पेन की पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे बोलनी है, बतानी है, तो मैं क्या बोलता हूँ कि ग्राउंड में मान लो जीरो पोटेंशियल एनर्जी है, और ग्राउंड से हाइट अगर h है तो इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाती है, एम जी एच। ठीक है, अब उसके बाद एक चीज़ बोली थी कि पोटेंशियल एनर्जी किसी एक पार्टिकल की कभी नहीं होती, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा सिस्टम की होती है ना। तो जैसे अपन ये नहीं बोल सकते भाई अर्थ की पोटेंशियल एनर्जी सन के कारण, वो अर्थ और सन की पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा इंट्रैक्शन पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो जब मैं बोल रहा हूँ इस मार्कर की पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच है, उसका मतलब है वो मार्कर प्लस अर्थ ये दोनों मिलके जो सिस्टम बना रहे हैं उसकी पोटेंशियल एनर्जी है। क्लियर, ये तो पुराना है हमारा, यहाँ पर किसी को कुछ पूछना है, और अभी ये चीज़ें लग रही हैं थोड़ी वेग सी लग रही हैं, ज़्यादा याद नहीं आ रहा है, तो आज जाके अच्छे से बैठ के एक दो घंटे रिविज़न कर लेना वर्क पावर एनर्जी का, तो सब याद आ जाएगा। चलो, तो अब हमको यहाँ पर क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो लिखो भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स बिकॉज वर्क डन बाय दिस फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, बिकॉज वर्क डन बाय दिस फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। अगला सेंटेंस लिखो, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन ए क्लोज्ड लूप, वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन ए क्लोज्ड लूप इज जीरो। ठीक है, अगले पैराग्राफ से लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्टैटिक चार्जेस, स्टैटिक है स्टेशनरी, है ना, ड्यू टू स्टैटिक चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड।
विच इज ऑल्सो कंजर्वेटिव, विच इज ऑल्सो कंजर्वेटिव. तो सेम वे में हम फील्ड को भी कंजर्वेटिव बोल सकते हैं ना. फील्ड क्योंकि हमने कैसे डिफाइन करा है, फोर्स बाई चार्ज ही तो डिफाइन करा है. फील्ड में जैसे ही चार्ज को मल्टीप्लाई करते हो फोर्स बन जाता है. ये इतना पॉइंट क्लियर है. क्वेश्चन लिखो, कैन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, क्वेश्चन लिखो एक, कैन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड फॉर्म क्लोज्ड लूप, बताओ कैन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड फॉर्म क्लोज्ड लूप, प्रूव करो हाँ या ना, जो भी प्रूफ दो उसका, मैथमेटिकल प्रूफ चाहिए. यू कैन ऑल्सो यूज द मेथड ऑफ प्रूफ बाई कॉन्ट्राडिक्शन. मान लो कि वो क्लोज लूप बनाती है, फिर इसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन दिखा दो. क्या ग्राफ पे मतलब क्लोज लूप, मतलब ऐसे स्पेस में क्लोज लूप. ग्राफ पे क्लोज लूप नहीं, ग्राफ तो किसी भी चीज़ का हो सकता है. मैं उसके पाथ की बात कर रहा हूँ, अगर उसका पाथ क्लोज है मतलब जहाँ से स्टार्ट करा वहीं पर वापस आ जाए, क्लोज लूप से ये मतलब है मेरा. ठीक है, मान लो एज्यूम कर लो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या कर रही है, क्लोज लूप बना रही है, मान लिया है ना. लेट्स एज्यूम, एज्यूम कर रहे हैं हम, फिर देखते हैं हमारा एजम्पशन सही है या नहीं. लेट्स एज्यूम इलेक्ट्रिक फील्ड इज फॉर्मिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज फॉर्मिंग क्लोज लूप. ठीक है, तो अब हमें पता है भाई कि जो कंजर्वेटिव फील्ड होती है उसका वर्क डन क्या होगा, क्लोज लूप में जीरो होना चाहिए. अभी हमने लिखा कंजर्वेटिव फोर्स या कंजर्वेटिव फील्ड का वर्क डन जो होगा क्लोज लूप में जीरो होना चाहिए. तो हम वर्क डन निकाल लेते हैं इसका. वर्क डन क्या हो जाता है भाई बताओ, इंटीग्रेंट एफ वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, और क्लोज लूप में निकालना है मुझे. यहाँ पर एफ वेक्टर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मान लो कोई स्मॉल क्यू चार्ज रख दिया तुमने, मान लो इस जगह पर तुमने क्या करा, एक स्मॉल क्यू चार्ज रख दिया. तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो फोर्स भी क्या होगा, इसी डायरेक्शन में होगा, है ना. तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस क्यू चार्ज को जो जिस लूप पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी के डायरेक्शन में इसे मूव कर रहा हूँ. इस चार्ज का मैं डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में कर रहा हूँ. समझ में आया. तो मैं क्या करूँगा, इस चार्ज को इस लूप के अलोंग यहाँ से लेके जाऊँगा बिल्कुल यहाँ तक. तो देखते हैं वर्क डन क्या हो जाएगा. एफ वैक्टर हो जाएगा तुम्हारा क्यू इंटू ई वैक्टर डॉट डी एस वैक्टर. क्यू तो कांस्टेंट है, वहां निकाल लेते हैं. अब देखो मैंने ई वेक्टर और डी एस वेक्टर हर एक पॉइंट पे कर्व पे हर जगह पैरेलल लिए हैं, तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ई वेक्टर ई डी एस कॉस जीरो डिग्री, क्योंकि ई वेक्टर और डी एस वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, जीरो. अरे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा. जब पैरेलल वेक्टर्स होते हैं तो थीटा जीरो हो जाता है और कॉस जीरो वन होता है. तो इसको सीधा ऐसा लिख सकते हैं, ई डीएस. समझ में आ रहा है क्या. और ध्यान से देखो यार, यहाँ पे वो हमेशा सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस वेक्टर, तो ये डॉट प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा. आ रहा है समझ में. तो ये तुम पॉजिटिव पॉजिटिव को ऐड करते जा रहे हो, तो ये कुछ भी कर लो ये ग्रेटर देन तो जीरो ही निकल के आएगा. ये तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो यहीं पर वायलेशन आ गया, कॉन्ट्राडिक्शन आ गया. क्यों, क्योंकि हमें पता है वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए था. तो यहीं से प्रूफ हो गया कि नहीं बना सकती, कॉन्ट्राडिक्शन, बिकॉज वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स मस्ट बी जीरो, और यहां पे तुम्हारा ग्रेटर देन जीरो निकल के आ गया. इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के कारण जो भी वर्क होगा वो हमेशा जीरो ही होना चाहिए, है ना. क्लोज लूप में इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के कारण वर्क डन क्या होना चाहिए, जीरो. और यहां पर क्लोज लूप में वर्क डन जीरो नहीं आ रहा है. इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्लोज लूप बना ही नहीं सकती कभी. वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स इन ए क्लोज लूप मस्ट बी जीरो, इन ए क्लोज लूप मस्ट बी जीरो. देखो आएगा समझ में. अगला क्वेश्चन लिखो, कैन इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म क्लोज लूप, कैन इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म क्लोज लूप. अब देखो इन दोनों क्वेश्चन में फर्क क्या है. इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मतलब होता है जो चार्ज रेस्ट पे है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, ठीक है.
तो जो चार्ज रेस्ट पे है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो तो कभी क्लोज लूप नहीं बनाएगी, और वही फील्ड कंजर्वेटिव होती है। पर सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव नहीं होती, इलेक्ट्रिक फील्ड और भी कई तरीके से क्रिएट की जा सकती है। इलेक्ट्रिक फील्ड के एग्जिस्टेंस के लिए चार्ज का होना जरूरी नहीं है, ये हम अभी आगे जाके पढ़ेंगे जब हम फैराडे लॉ पढ़ेंगे। तो हम देखेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करके भी इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट कर सकते हैं, मतलब जहां पर कोई चार्ज नहीं है वहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेरी करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। ये हम अभी आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे जब हम EMI पढ़ेंगे फैराडे लॉ, ठीक है। तो लिखो यस इट कैन फुल स्टॉप, नॉट ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर कंजर्वेटिव इन नेचर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड ड्यू टू टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इज नॉन कंजर्वेटिव एंड फॉर्म्स क्लोज्ड लूप। ये अपन देखेंगे आगे जाके। ये अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड है ना, अंदर की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड, एंड मैग्नेटिक फील्ड इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, से कुछ भी है, से मैग्नेटिक फील्ड इज बी नॉट इन टू टी बोल देते हैं, बी नॉट इज सम कॉन्स्टेंट, बी से हम मैग्नेटिक फील्ड को बताते ना। मान लो अंदर के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है और वो टाइम के साथ बढ़ती जा रही है, तो क्या होता है अपने आप तुम्हें बताए स्पेस में एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाती है, इस तरह से लूप्स क्रिएट हो जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, और जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्लोज लूप बनाती है और ये कंजर्वेटिव नहीं होती नेचर में। बना लो जल्दी से, इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे EMI में। इसको अभी इसलिए बताया ताकि कंसेप्ट्स पूरे दिमाग में क्लियर होने चाहिए, क्योंकि नोट्स हम किस लिए लिखते हैं, रिवीजन के लिए। जब रिवीजन करोगे तो ये सारी चीज़ें तुम्हें अच्छे से पता होंगी, और इसी समय तुम्हें ये दिख जाना चाहिए ये दोनों पॉइंट्स, ठीक है। तो फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हमारी कंजर्वेटिव है तो हम उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी भी डिफाइन कर सकते हैं। तो लिखो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज du इज इक्वल टू, क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन बोलो, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। यहां पे वो कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो क्या आ जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो भी तुम्हारे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनटू ds वेक्टर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण जो एनर्जी आ रही है उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी आती है उसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोल देते हैं। तो तुम्हारे ये du क्या हो गया, माइनस क्यू ई वेक्टर डॉट ds, ये तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी हो गई। कुछ नया नहीं है इसमें ना, बस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ले लिया हमने। लिखो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, हेडिंग लिखो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ऐसे लिखो पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, क्योंकि वो सिस्टम की होती है ना। हेडिंग को करेक्ट करो, पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, बिटवीन टू पॉइंट, तो मान लेते हैं यहां पर कोई चार्ज है भाई Q1 और यहां पर कोई चार्ज है Q2, हम इन दोनों के बीच की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, ठीक है। अब हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है भाई, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो पहले तो इस पे जो फोर्स लग रहा होगा, किसी भी एक पार्टिकल को मूव कर देते हैं पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए, इसको फिक्स रखते हैं, इसको अपन मूव करेंगे, ठीक है। तो पहले तो फोर्स क्या लगेगा भाई इस पार्टिकल पे बताओ, इस डायरेक्शन में लगेगा जो भी फोर्स लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा कितना और के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर आर कैप, यही होगा ना, ठीक है। अब क्या करते भाई, पोटेंशियल एनर्जी निकालने का तरीका है चार्ज को मूव कर दो, तो चार्ज को अपन मूव कर देते हैं। तो मान लेते हैं इनिशियली ये चार्ज यहाँ था, फाइनली इसको तुम कहीं यहाँ लेके चले गए, ये Q2 की क्या है, ये Q2 की इनिशियल पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन, और ये Q2 की मैंने क्या मान ली, फाइनल पोजीशन। तो देखते हैं जब Q2 को मैं यहाँ से इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन लेके गया तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी चेंज करी, ये निकालना है हमको।
ये अपना क्या हो गया, इनिशियल पोजीशन का आर आई वैक्टर बोल देते हैं, इनिशियल पोजीशन का जो पोजीशन वैक्टर है वो आर आई वैक्टर, और फाइनल पोजीशन का जो पोजीशन वैक्टर है वो आर एफ वैक्टर, ठीक है। तो इनिशियली इसका डिस्प्लेसमेंट अपन कुछ इस डायरेक्शन में कर रहे हैं, ये डीएस वैक्टर है, ठीक है। और मैं ऐसे ही कोई कर, मैं बिल्कुल जनरल प्रूफ कर रहा हूँ, है ना, बुक्स वगैरह में स्ट्रेट लाइन का प्रूफ दिया रहता है ना, पर ये हर जगह तुम कहीं से कहीं भी लेके जा सकते हो इसको, है ना, हर जगह ट्रू है ये जनरल प्रूफ है। तो देखो वर्क डन क्या हो जाएगा, बताओ वर्क डन क्या हो जाएगा, एफ ई वैक्टर डॉट डी एस वैक्टर। तो बताओ ये क्या आ रहा है तुम्हारा, एफ ई वैक्टर डॉट डी एस वैक्टर करो, तो क्या इसको मैं ये बोल सकता हूँ, एफ ई वैक्टर डॉट डी एस वैक्टर को एफ ई इंटू, चलो पहले लिख देते हैं अपन, ये आ जाएगा के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, और फिर क्या आ रहा है आर कैप डॉट डी एस वैक्टर, क्या यही आ रहा है। डी एस वैक्टर क्या हो जाएगा बताओ, डी एस वैक्टर डॉट आर कैप तुम्हारा इस डायरेक्शन में है, तो ये डॉट प्रोडक्ट बताता क्या, डी एस वैक्टर का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में क्या आएगा डी आर, डी एस वैक्टर का कंपोनेंट आर कैप के डायरेक्शन में क्या होगा डी आर, ठीक है। तो चलो तुम्हारा क्या बन जाएगा, ये डी डब्ल्यू तुम्हारा बन गया के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर इंटू डी आर। देखो ये क्लियर है, यानी डी एस वैक्टर डॉट आर कैप इज नथिंग बट डी एस वैक्टर डॉट आर कैप इज नथिंग बट डी आर, डी एस वैक्टर का कंपोनेंट रेडियल डायरेक्शन में क्या होगा डी आर, क्लियर है, ठीक है। और आर क्या है, आर डिस्टेंस है, आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर है, पर आर तो सिर्फ डिस्टेंस है दो चार्जेस के बीच का, ठीक है। तो तुम्हें वर्क डन निकालना है ना, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, कहाँ से कहाँ तक तुम लेके गए, तुम्हें नेट वर्क डन चाहिए, ये कंजर्वेटिव फोर्स है ना, तो सी भी लिख देते ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ई से रिप्रेजेंट कर देता हूँ मैं। तो नेट वर्क डन कितना होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का भाई, बताओ इंटीग्रेंट डी डब्ल्यू ई, कहाँ से कहाँ तक लेके जा रहे हैं अपन, आर इनिशियल से आर फाइनल। देखो ध्यान से, देखो मैंने आर आई वैक्टर और आर एफ वैक्टर नहीं रखा है, क्योंकि लिमिट वेरिएबल के हिसाब से रखते हैं, यहाँ पे डी के साथ मेरा क्या आ रहा है आर, तो वेरिएबल क्या है मेरा आर, मतलब उन दोनों के बीच का सेपरेशन, तो लिमिट भी उन्हीं के टर्म में रखी जाएगी, जो वेरिएबल होता है लिमिट उसके टर्म में रखते हैं। अगर यहाँ पे डी आर वैक्टर लिख रहा होता तो लिमिट में भी फिर वैक्टर रखता, क्लियर है। चलो करो भाई बताओ, वन बाई आर स्क्वायर का बताओ आप जल्दी से तुम लोग, ये तो तुम्हें सबको आता है, ये क्या हो जाएगा के क्यू वन क्यू टू वन वाई, इसका इंटीग्रेशन आएगा माइनस वन वाई आर, माइनस वन वाई आर, और लिमिट आएगी आर इनिशियल से आर फाइनल। तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या आ जाएगा, के क्यू वन क्यू टू, माइनस को बाहर निकाल लेते हैं, वन वाई आर फाइनल माइनस वन वाई आर इनिशियल। देखो यही आ रहा है क्या, माइनस को बाहर निकाल लिया, लिखो इतना लिखो फिर आगे बात करते हैं। चलो ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को किस तरह से डिफाइन करा गया है, नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने कहां से कहां तक मूव करा है, आर वन से आर टू, है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी एट आर टू माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट आर वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डब्ल्यू ई, वो क्या आ रहा है तुम्हारा के क्यू वन क्यू टू वन वाई आर फाइनल माइनस वन वाई आर इनिशियल। देखो यही आ रहा है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारा, है ना। अगर सोचो ये तो तुम्हारा हो गया, तुम्हारा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यही होगा, यहां पे किसी को कोई डाउट है क्या, हम हमेशा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, पर फिर हम क्या करते थे अपनी कंफर्ट के लिए कोई रेफरेंस पॉइंट डिसाइड कर लेते थे, और वहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या मानते थे, जीरो, है ना। तो हम मान लेते हैं, अगर हम मानते हैं इफ रेफरेंस पॉइंट हम मान लेते हैं इज एट इन्फिनिटी, यहाँ पे हम किसको रेफरेंस पॉइंट मानते हैं, इन्फिनिटी को, हम मान लेते हैं कि इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो। इफ रेफरेंस पॉइंट इज एट इन्फिनिटी वेयर
पोटेंशियल एनर्जी इज एज्यूम टू बी जीरो. देखो जैसे हम क्या करते थे, ग्राउंड को रेफरेंस पोजीशन मानते थे और वहां पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान लेते थे. इधर क्या करते हैं, हम इन्फिनिटी पे मानते हैं रेफरेंस और वहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या मान लेंगे, जीरो. ठीक है, तो मान लो तुम इस चार्ज को इन्फिनिटी से आर टू पे लेके आए हो, तो हमारा आर वन क्या हो गया, आर वन एज आर वन इक्वल टू इन्फिनिटी, पोटेंशियल एनर्जी एट आर वन क्या हो जाएगी तुम्हारी, जीरो. तो आर टू बताओ तुम्हारा क्या निकल के आ गया, और आर टू को आर मान लेते हैं, आर टू कोई भी जनरल पोजिशन आर है तुम्हारी, तो पोटेंशियल एनर्जी एट आर क्या निकल के आई बताओ. आर वन को इन्फिनिटी पे जीरो माना, यू आर वन देखो जीरो हो गया, और यहां पे आर वन को इन्फिनिटी रखो तो वन बाई इन्फिनिटी कितना आ गया, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या निकल कर रही है किसी भी पोजीशन आर पे, के क्यू वन क्यू टू बाय आर. ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, और याद रखना ये फॉर्मूला जब हम लिख रहे हैं तब हमने इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी क्या मानी है, जीरो. इस फॉर्मूले के साथ ये कंडीशन याद रहनी चाहिए. तो तुम्हारा फॉर्मूला आ गया के क्यू वन क्यू टू बाय आर. लिख लेना, नोट लिख लेना, ये लिख लेना ना, पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी इज एज्यूम टू बी जीरो. ये आर टू आर वन क्यों लिख दिया, इसको आर एफ आर इनिशियल करो, आर एफ आर इनिशियल, और ये हमारा आर इनिशियल, आर इनिशियल, और ये आर फाइनल. अगर पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी की जगह कहीं और जीरो मान ले, मान लो देखो ए पोटेंशियल एनर्जी इज एज्यूम टू बी जीरो. कभी कभार जेई एडवांस में ऐसी ऐसी चीज़ें कर देते हैं वो, है ना, जो जनरली जहाँ पे मानते हैं वहाँ उसकी जगह कहीं और मान लेते हैं. इज एज्यूम टू बी जीरो एट सम आर इक्वल टू आर नॉट, मान लो किसी आर नॉट डिस्टेंस में उन्होंने बोला पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, तो देखो क्या बन जाएगा. देखो ये तो हमारा बिल्कुल जनरल एक्सप्रेशन है, तो यू आर माइनस यू आर नॉट करेंगे, यू आर नॉट तो जीरो होता है क्योंकि वो तो तुम रेफरेंस लाइन बोल रहे हो ना, वहां पे जीरो मानी है तुमने, तो इक्वल टू क्या आएगा देखो, के क्यू वन क्यू टू बाय आर. ये तो पुराना फॉर्मूला था, देखो माइनस इस बार तुमने आर नॉट पे मानी है तो वन बाई आर नॉट आएगा, ये इन्फिनिटी नहीं है, ये वाली चीज जीरो नहीं होगी, माइनस के क्यू वन क्यू टू बाय आर नॉट. या फिर तुम ऐसे लिख सकते हो पोटेंशियल एनर्जी एट आर इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाय आर प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी. अब बताओ कोई ऐसा क्यों लिख दिया मैंने, ये तुम्हारा जनरल एक्सप्रेशन हो गया, ये हमेशा ट्रू है, ये वाला एक्सप्रेशन हमेशा सही है, कहीं भी पोटेंशियल एनर्जी मानो ये हमेशा सही रहेगा. नहीं आया समझ में, ये कैसे लिख दिया, अरे यहाँ पे आर को इन्फिनिटी रखो एक बार, आर को इन्फिनिटी रखें. अब देखो तुमने पोटेंशियल एनर्जी आर नॉट पे जीरो मानी है ना, तो इन्फिनिटी पे थोड़ी ना जीरो होगी फिर. तुमने मान लो पोटेंशियल एनर्जी आर नॉट, मान लो आर नॉट पाँच मीटर है, पाँच मीटर पे तुमने जीरो मान ली, तो अब हम निकालना चाह रहे हैं इन्फिनिटी पे कितनी है, तो आर को इन्फिनिटी रखो, तो यहाँ पे आया यू ऑफ इन्फिनिटी, ये क्या हो जाएगा जीरो. तो क्या निकल के आ रहा है, माइनस के क्यू वन क्यू टू बाई आर नॉट किसके बराबर आ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी तो बता रहा है ये, तो मैंने इसको सीधा लिख दिया प्लस यू इन्फिनिटी. और देखो इसमें ये जो तुमने निकाला ये वाला फॉर्मूला ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है, अगर तुम पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पे जीरो मान लोगे तो ये वाला टर्म जीरो हो गया. देखो फिर से ये वाला एक्सप्रेशन बन गया. अब हमने एक क्वेश्चन इसको ऑलरेडी सॉल्व करा था, है ना, जब हम कूलम्स फोर्स पढ़ रहे थे, एक चार्ज को दूसरे चार्ज से किसी डिस्टेंस पर रख के छोड़ दिया था, फिर उसका डिस्टेंस डबल हो गया था तो उसकी स्पीड पूछी गई थी, तो हमने ये फॉर्मूला एज्यूम कर लिया था, उसका प्रूफ अब दे दिया है. अब हम और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. देखो ये सब तो अपन ने बहुत खतरनाक पढ़ लिया ना, अब क्वेश्चन सॉल्व करने में 90% तुम्हारे क्वेश्चन इस फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएंगे. बस पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, के क्यू वन क्यू टू बाई आर, मैक्सिमम क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएंगे. बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चंस वगैरह कभी आएंगे तो इतनी डिटेल में जाना पड़ेगा, डेप्थ में तुम्हें, वरना मैक्सिमम क्वेश्चन इससे सॉल्व होंगे, के क्यू वन क्यू टू बाई आर. तो सॉल्व करते हैं फिर हम. चलो देखो क्वेश्चन लिखो भाई, रदरफोर्ड वाला मान लेते हैं, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट तो पता ही है. यहाँ पे मान लो तुमने कोई पॉजिटिव चार्ज रख दिया, करते क्या रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में, बहुत दूर से कोई चार्ज फेंकते हैं,
अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करते हैं ना, मान लो तुम्हारा अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल का चार्ज अभी स्मॉल क्यू मान लो, प्लस स्मॉल क्यू है अल्फा पार्टिकल का चार्ज, ठीक है। अल्फा पार्टिकल को तुमने बहुत दूर से फेंका, बहुत दूर का मतलब क्या हो गया, इन्फिनिटी से फेंका। अल्फा पार्टिकल को तुमने बहुत दूर से फेंका, कितनी स्पीड से फेंका, कोई इनिशियल स्पीड यू नॉट से फेंका। तो बताओ ये मैक्सिमम मतलब कितने पास तक जा सकता है, फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। इस चार्ज को हमने फिक्स्ड रखा है, ये चार्ज फिक्स्ड है, इट कैन नॉट मूव। फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, वो यू टर्न मारेगा, मारेगा या नहीं मारेगा पहले तो सोचो, मारेगा ना, मानना पड़ेगा भाई, तो कितने पास जाके आप वापस आएगा। रदरफोर्ड एक्शन पता है ना, उसी पे अपन ने क्वेश्चन बना दिया। तो अब ये पता है भाई, मिनिमम जब भी मिनिमम सेपरेशन होगा, जब भी मिनिमम सेपरेशन होगा उस समय क्या होगा, इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, है ना, उस समय वो रेस्ट पे आ जाएगा, ये पास आएगा धीरे धीरे, रिपल्शन के कारण इसकी स्पीड कम होगी, रुकेगा फिर वापस भागेगा, यही होगा ना, ठीक है। तो जब रेस्ट पे आ जाएगा तो मान लेते हैं उस समय मिनिमम सेपरेशन जो इनके बीच का है उसको आर मिनिमम बोल देते हैं, ये इनके बीच का मिनिमम सेपरेशन। सोचो इन दोनों चार्जेस को अगर मैं सिस्टम मान लूँ, सिस्टम मान लेता हूँ क्यू एंड कैपिटल क्यू को, तो बताओ इन पर कोई भी डिसिपेटिव फोर्स है, नहीं है ना, कोई भी डिसिपेटिव फोर्स नहीं है, जो भी फोर्स है इनका म्यूचुअल फोर्स है ना। तो हमारी क्या होती है भाई, हम बोल सकते हैं वर्क डन भाई एक्सटर्नल फोर्सेस क्या होता है, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, और यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्सेस है ही नहीं, तो चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी क्या हो गया तुम्हारा, जीरो, मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं। जब भी वर्क डन भाई एक्सटर्नल फोर्सेस जीरो होता है तो हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ड्यू इनिशियल प्लस के इनिशियल, देखो बिल्कुल जो वर्क पावर एनर्जी में करा था सब कुछ वही है, के फाइनल प्लस यू फाइनल। अब बताओ यू इनिशियल क्या था, इन्फिनिटी पे जब है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो, ये हम मानते, ठीक है। के इनिशियल, के फाइनल क्या है, जीरो, तो मतलब इनिशियली जो उसको काइनेटिक एनर्जी दी थी वो फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में। तो हमें पता है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनली पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, इसका मास मान लो स्मॉल एम है, ठीक है, तो हाफ स्मॉल एम यू नॉट स्क्वायर इक्वल टू के क्यू कैपिटल क्यू बाय आर नॉट, आर मिनिमम। तो बस देखो इससे निकल के आ गया आर मिनिमम, आर मिनिमम हमको मिल गया के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू टू बाय एम यू नॉट स्क्वायर। तो दोनों के बीच में मिनिमम सेपरेशन इतना हो सकता है ना। तो जब वो मतलब टकराता है न्यूक्लियस से, ऐसा नहीं न्यूक्लियस से टकरा के आ जाता है, कभी कोई चीज़ कांटेक्ट में आती नहीं है, क्योंकि कांटेक्ट में आने के लिए आर जीरो होना पड़ेगा, उस समय फोर्सेस इन्फाइनाइट हो जाते हैं, तो हमेशा हर एक चीज़ कुछ ना कुछ डिस्टेंस पर रहती है। तो जब मैं किसी चीज़ को टच करने की कोशिश करता हूँ तो वो टच तो कभी करते ही नहीं है कुछ भी, है ना, मैं उतना नज़दीक चला जाता हूँ कि रिपल्शन होने लगता है, कोई भी चीज़ किसी को टच नहीं कर रही एक्चुअली। तो जब हम पहली बार ग्रेविटेशनल और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस पढ़ते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि बिना टच करे फोर्स लग कैसे रहा है, कि दो मार्सेस दूर दूर है फिर भी उनके बीच में फोर्स लग रहा है, दो चार्जेस दूर दूर है उनके बीच में फोर्स लग रहा है। अरे हमेशा सारे फोर्सेस इसी तरह से लगते हैं, जो तुम नॉर्मल और टेंशन बोलते वो भी इसी तरह से लग रहे होते हैं, बने तो सब कुछ एटम से है ना, अट्रैक्शन रिपल्शन ही है, कभी कोई चीज़ किसी को टच नहीं कर रही है, तो होता ही फोर्स ऐसा है ना, हमारा नेचर इसी तरीके से है, ठीक। अगला करें, अब मान लो अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है, बस ये जो कैपिटल क्यू है इस बार क्या है, ये इस बार ये कैपिटल क्यू फिक्स्ड नहीं है, फ्री टू मूव है, समझ में आया क्या, इस बार दोनों चार्जेस तुम्हारे फ्री टू मूव है, फ्री टू मूव। फाइंड द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस, फाइंड द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस, करो सॉल्व। चलो ठीक है, देखो भाई
तो ये आगे आ रहा है, मान लो ये स्मॉल क्यू वाला कहीं आ गया, से उसकी स्पीड इस वक्त भी हो गई, कैपिटल क्यू वाला कहीं यहाँ चला गया। जब मिनिमम सेपरेशन होगा दोनों की स्पीड सेम होगी, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए ना, वो तभी होगा जब दोनों की स्पीड सेम होगी। तो जब भी इन दोनों के बीच में मिनिमम सेपरेशन है उस वक्त दोनों की स्पीड सेम होगी। तो यहाँ पर दो वेरिएबल है इस बार, कौन कौन से वेरिएबल है, आर मिनिमम और वी, आर मिनिमम और वी, दो वेरिएबल है इस बार, वी और आर मिनिमम। पिछली बार सिर्फ एक ही वेरिएबल था आर मिनिमम, तो सिर्फ एक ही इक्वेशन चाहिए थी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इस बार दो वेरिएबल हैं आर मिनिमम और वी, दो इक्वेशन चाहिए। कहाँ से लाए दो इक्वेशन, पहली इक्वेशन हमको मिल जाएगी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, तो लगा देते भाई यू इनिशियल प्लस के इनिशियल इक्वल टू यू फाइनल प्लस के फाइनल। यू इनिशियल जीरो है, इन्फिनिटी पे था, क्या के फाइनल जीरो है, नहीं, इस बार के फाइनल जीरो नहीं है, दोनों के दोनों मूव कर रहे हैं वी स्पीड से। तो के इनिशियल कितना था तुम्हारा बताओ, हाफ एम यू नॉट स्क्वायर, और ये तो रेस्ट पे था, ये वाला अकेला मूव कर रहा था। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर, और इसका भी हाफ एम वी स्क्वायर, तो मल्टीप्लाइड बाई टू, है ना, दोनों का मास सेम है, क्योंकि इसका मास भी एम है, इसका भी मास एम है, दोनों की स्पीड भी सेम हो गई, ठीक है। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, के क्यू वन स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाय आर मिनिमम, ये पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो ये तुम्हारी पहली इक्वेशन आ गई, इसमें अभी दो वेरिएबल हैं आर मिनिमम एंड वी। दूसरी इक्वेशन लिखते हैं, दूसरी इक्वेशन कहाँ से आएगी बताओ भाई, तो ध्यान से देखो, अगर इन दोनों को सिस्टम मान लूँ, इन दोनों पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, अगर इन दोनों चार्जेस को सिस्टम मानते हैं तो दोनों पे एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। एक्सटर्नल फोर्स जीरो होना कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की कंडीशन है, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स जीरो होना कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की कंडीशन है। तो यहाँ पे जब एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं तो वर्क कैसे करेगा, तो दोनों ही लगा सकते हैं हम यहाँ पे, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा देते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो भाई पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल, इनिशियली इस वाले का मोमेंटम कितना है जीरो, उस वाले का एम इंटू यू नॉट, फाइनली इसका कितना है एम वी, दोनों का एम वी है, तो वी कितना निकल के आया तुम्हारा यू नॉट बाय टू, ये तुम्हारी दूसरी इक्वेशन है। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से तुम्हें स्पीड मिल गई इन दोनों की, अब स्पीड मिल गई तो यहाँ पे वी को रख दोगे तुम्हारा आर मिनिमम भी मिल जाएगा। देखो कोई डाउट है तो, दो वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन चाहिए थी, यहाँ पे सबको रिपीटेड ही लग रहा होगा, है ना, मैकेनिक्स ही पढ़ रहे हैं एक तरह से। उस पोटेंशियल एनर्जी का एक फॉर्मूला नया आ गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक फोर्स नया आ गया, बाकी तो सब कुछ सेम है। रख दो लगेगा, फिर नहीं करोगे कंजर्व, और क्या, फिर वैसे ना मोमेंटम कंजर्व होगा ना एनर्जी कंजर्व होगी, फिर लगाओगे न्यूटन के सेकंड लॉ, कूलम्स फोर्स और न्यूटन सेकंड लॉ, फिर इंटीग्रेशन करके सॉल्व करोगे, सॉल्व तो हो जाएगा, ठीक है। चलो ये बताओ आफ्टर लॉन्ग टाइम क्या होगा, सेम क्वेश्चन में बताओ बहुत देर बाद क्या होगा आफ्टर लॉन्ग टाइम, क्या फिर वो इसी स्पीड से जाते रहेंगे हमेशा, लिखो क्वेश्चन लिखो, फाइंड द स्पीड ऑफ बोथ द पार्टिकल्स आफ्टर लॉन्ग टाइम इन द अबव क्वेश्चन, फाइंड द स्पीड ऑफ बोथ द पार्टिकल्स आफ्टर लॉन्ग टाइम इन अबव क्वेश्चन। हो गया, क्या होगा बताओ, हाँ उसका जीरो हो जाएगा, रेस्ट पे आ जाएगा एग्जैक्टली, ऐसा कैसे बोल सकते हो इतने कॉन्फिडेंस से, क्योंकि हर समय फोर्सेस इस तरह से लग रहे हैं, रिपल्शन है ना सब इनके बीच में, अभी भी रिपल्शन तो अभी भी हो रहा है, तो इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, इसकी स्पीड कम होती जाएगी, कब तक होगी कम, जीरो ना हो जाए ना, इन्फाइनाइट डिस्टेंस, वो इन्फाइनाइट टाइम बाद होगा, ठीक है, इसकी जीरो हो जाएगी, इसकी एग्जैक्टली यू नोट हो जाएगी, क्योंकि हमने पढ़ा भी था कि जब ये भी क्या, दिस इज ऑल्सो ए कॉलिजन,
अरे कॉन्टेक्ट तो कभी होता ही नहीं है, दो ब्लॉक को टकराते थे तब भी कॉन्टेक्ट नहीं होता, दिस इज ऑल्सो कॉलिजन। तो यहाँ पे क्या हुआ, कॉलिजन हुआ इन दोनों के बीच में, और जब कॉलिजन होता है और सेम मासेस होते हैं तो वेलोसिटीज एक्सचेंज कर जाती हैं, यहाँ पर सेम मासेस है तो वेलोसिटी एक्सचेंज कर जाएंगी। आफ्टर लॉन्ग टाइम क्या होगा भाई, टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे जो स्मॉल क्यू है वो तुम्हारा रेस्ट पे आ जाएगा, और जो कैपिटल क्यू है वो कितनी दूरी पे चला जाएगा, इन्फाइनाइट दूरी पे चला जाएगा, और कितनी स्पीड से मूव करने लगेगा, ई नॉट से। तो वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाएंगी क्योंकि मासेस सेम है, और इस कॉलिजन में कितना टाइम लगा, इन्फाइनाइट टाइम लगा। और एटॉमिक लेवल पे सिर्फ और सिर्फ इलास्टिक कॉलिजन्स होते हैं, नहीं मतलब इनइलास्टिक भी होते हैं, वो हम पढ़ेंगे कुछ, इनइलास्टिक और पार्शियल इलास्टिक भी हो सकते हैं, पर वो जब तब होते हैं जब दो एटम में से किसी एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट कर जाएं, उसको हम पढ़ेंगे जब मॉडर्न फिजिक्स करेंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट नहीं करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ इलास्टिक कॉलिजन पॉसिबल होता है। ये क्लियर है, ठीक है, चलो इस पे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अब ये थोड़ा मतलब अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल पे ना, इसको करे तो माने। यहाँ पे प्लस क्यू रखा हुआ है हमेशा की तरह, फिक्स्ड है क्या, एक प्लस क्यू चार्ज को फिक्स रखा हुआ है तुमने, और यहाँ से कुछ डी डिस्टेंस ऊपर एक चार्ज है प्लस क्यू, कितनी दूरी पे है ये, इन्फाइनाइट दूरी पे, बहुत दूर है, बहुत दूर है, पर याद रखना इसकी लाइन से मतलब जिस डायरेक्शन में इस चार्ज के पास वेलोसिटी है उस लाइन के अलोंग ये डी डिस्टेंस है, इसके पास इनिशियल वेलोसिटी यू नॉट ही मान लेते हैं। जो पहला वाला क्वेश्चन लिया था ना, सेम है क्वेश्चन, बस इस बार इस लाइन पर रखने की जगह उसे परपेंडिकुलरली डी डिस्टेंस शिफ्ट कर दिया है, और इससे बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स, बताओ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं इस बार या नहीं लगा सकते, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हैं, क्यों, एक्सटर्नल फोर्स है, जब भी किसी एक चार्ज को फिक्स कर दिया है मतलब इसको किसी ने पकड़ के रखा हुआ है कोई, इसको जब कोई पकड़ के रखा हुआ है मतलब एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नहीं लगा सकते, फिक्स्ड है चार्ज, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है पर एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि उसका कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। तो भाई फिर क्या करोगे, तो यहाँ पे वेरिएबल भी तो एक ही होगा आर मिनिमम, एक इक्वेशन से काम नहीं होगा क्या, ये किस तरह से जाएगा ये पार्टिकल, सोचो इसका पाथ कैसा होगा, ऐसा और ये कंटिन्यूसली रिपल करता जा रहा है जैसे ऐसे, इस तरह से कोई जा रहा होगा इस पाथ पे जाएगा ना इस तरह से कुछ, क्योंकि ये दूर भगाएगा इसे, तो सेम मिनिमम डिस्टेंस ये है, जब इसकी स्पीड से कुछ v हो जाती है उस समय उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है मिनिमम है, ये r मिनिमम है। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही वेरिएबल है क्या, दो वेरिएबल हैं r मिनिमम और v, तो एक अकेले इक्वेशन से काम नहीं होगा, अब क्या करें, सोचो तो एटलीस्ट दिमाग को वहाँ पे लेके तो जाओ, तीन ही तो ब्रह्मास्त्र हैं तुम्हारे पास, बताया था ना तीन कंजर्वेशन लॉज हैं, तो कोशिश करके देखते भाई कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगेगा या नहीं लगेगा, लग गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगा तो फिर तो है ही न्यूटन। तो भाई अब कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से पहले सबसे पहले क्वेश्चन होता है क्या, किस पॉइंट के अबाउट, इन दोनों में पॉइंट नहीं पूछा जाता, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम रोटेशनल में कुछ भी आएगा तो सबसे पहले भाई किस एक्सिस और किस पॉइंट के अबाउट कर रहे हैं वो डिपेंड करेगा। तो क्या लग रहा है, सोच के ही लग रहा है कि यार ये फिक्स पॉइंट है इसको देखते हैं, चलो इसके अबाउट देखते हैं भाई कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगेगा या नहीं लगेगा, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगेगा नहीं लगेगा उसको देखने के लिए पहले कंडीशन पता होनी चाहिए, क्या कंडीशन होती है, हाँ एक्सटर्नल टॉर्क जीरो होना चाहिए, देखो तो सिंपल सा है यार, मोमेंटम के लिए एक्सटर्नल फोर्स जीरो होना चाहिए, मोमेंटम को कंजर्व करना है, एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करना है तो एक्सटर्नल टॉर्क जीरो होना चाहिए और हर समय जीरो होना चाहिए।
तो हम चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं इस पॉइंट के अबाउट क्या टॉर्क हर वक्त जीरो है। मान लो चार्ज जब कभी यहां था तो इन दोनों के बीच में फोर्सेस कैसे लग रहे होंगे? इस चार्ज में फोर्स यहां लग रहा होगा, कूलम्स फोर्स। इस कूलम फोर्स का टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट क्या होगा? जीरो। कोई और फोर्स लग रहा है क्या इस वाले चार्ज पे? बताओ, स्मॉल क्यू पे कोई और फोर्स लग रहा है क्या? इस पर सिर्फ एक ही फोर्स है, कूलम फोर्स, और उसका टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट क्या है? जीरो। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगा सकते हैं क्या? ये फायदा है, सेंट्रल फोर्सेस जब भी आते हैं ना, वो सेंट्रल फोर्सेस जिस पॉइंट से जनरेट हो रहे हैं उस पॉइंट के अबाउट हमेशा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगता है। इसलिए जब अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है तो अर्थ का एंगुलर मोमेंटम सन के अबाउट कंजर्व रहता है, क्योंकि उस पर जो एट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है वो सन की तरफ लग रहा है और वो सन की एक्सिस से पास करेगा। सोच पा रहे हो? तो बस कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं? टॉर्क अबाउट, टॉर्क क्या? एक्सटर्नल टॉर्क किस पॉइंट के अबाउट? अबाउट क्यू, जीरो है ना, क्यू जहां पे रखा हुआ है उस पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो है। दिखाइए या नहीं दिखाइए सबको? और हर इंस्टेंट पे जीरो होगा, तो हर एक सेंट्रल फोर्स का टॉर्क जीरो होता है उस सेंटर के अबाउट, किसी और पॉइंट के अबाउट नहीं, उस सेंटर के अबाउट। पता नहीं कितना समझ में आ रहा है तुम्हें, अब लगाना आना भी चाहिए ना, अब लगाना भी आना चाहिए एंगुलर मोमेंटम। फिर से सिखा देता हूँ एक बार, है ना। देखो भाई, एनर्जी की इक्वेशन फटाक से लिखते हैं ना। तो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ एम यू नॉट स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? जीरो। फाइनली काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? हाफ एम वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? के क्यू कैपिटल क्यू बाय आर मिनिमम। देखो पहली इक्वेशन तो यही आएगी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, तो बार बार लिख रहे हैं इस इक्वेशन को। अगली भाई, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से। चलो बताओ, इनिशियली क्या है इस एक्सिस के अबाउट? लीवर आर्म क्या होगा तुम्हारा? ये डिस्टेंस। और क्लॉकवाइज को ये अपन क्या मान लेते हैं? पॉजिटिव मान लेते हैं क्लॉकवाइज को। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। इनिशियल कितना हो गया तुम्हारा? एम यू नॉट इंटू डी, मोमेंटम इंटू लीवर आर। एंगुलर मोमेंटम इज नथिंग बट मोमेंटम इंटू लीवर आर। फाइनल क्या हो जाएगा भाई? एम वी। लीवर आर्म कितना है? अब ये चीज बताओ, क्या ऐसा मैं बोल सकता हूं जब इन दोनों के बीच में मिनिमम डिस्टेंस है उस वक्त आर मिनिमम और वी परपेंडिकुलर होंगे? बोल सकते या नहीं बोल सकते? रीजन के साथ जवाब दो, बताओ, तभी तो लिखोगे, वरना तो थीटा आ जाएगा, अभी एक वेरिएबल और क्रिएट हो जाएगा। कौन देगा इसका जवाब? उसके बिना तुम इक्वेशन नहीं लगा पाओगे। एक नया वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा अगर आर मिनिमम और वी के बीच में कुछ और एंगल है तो। कौन देगा बताओ मेहर? किसी एंगल पे तो है ही, 90 पे तो है ही। हाँ, अभी भी तो पॉजिटिव है एंगल जो ये बोलो 90 के अलावा कुछ और होगा? 90 से ज्यादा होगा। हाँ, 90 से ज्यादा कम कुछ भी कर दो। चलो मान लो 90 से ज्यादा है, चलो मान लेते हैं 90 नहीं है अभी, मान लो ऐसा है अभी 90 नहीं है, तो क्या हो जाएगा? आर मिनिमम थोड़ा पहले आ गया होगा। आर मिनिमम थोड़ा पहले आ गया होगा, बिल्कुल सही बात है। और अगर 90 से कम होगा तो बाद में, बिल्कुल सही बात है, दोनों ही सही है, सही है बिल्कुल, है ना। बैठो, देखो क्या बोले, मान लो 90 से कम है, मान लो वी इस डायरेक्शन में, तो इन दोनों के बीच में कुछ एंगल हो गया, मतलब इस वी का इस डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट आ रहा है। अगर वी का इस डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट आ रहा है तो अगले इंस्टेंट पे वो इस डायरेक्शन में भी तो थोड़ा आगे बढ़ेगा, मतलब आर मिनिमम और कम होगा। अगर आर मिनिमम और कम हो रहा है तो अभी जो है वो आर मिनिमम है ही नहीं। समझ में आ रही है बात? अरे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जीरो होना पड़ेगा ना, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और सेपरेशन बताया था ना, दो पार्टिकल के अलोंग जो लाइन ज्वाइन करती है दो पार्टिकल को, उस लाइन के अलोंग वेलोसिटी जीरो होना चाहिए, तभी तो मिनिमम सेपरेशन होता है, वरना मिनिमम सेपरेशन नहीं होगा। आया समझ में? आदेश आ रहा है?
ठीक है, तो फिर एक ही सॉल्यूशन बचा है भाई। अगर ये मिनिमम सेपरेशन है तो इस वक्त उन दोनों के बीच का एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। देखो हर एक चीज बहुत स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट के साथ बतानी चाहिए, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए, ऐसा है तो क्यों है। ठीक है, फिर क्या है, फिर तो लीवर आर्म क्या हो गया, अब आर मिनिमम और ये भी क्लॉकवाइज ही है, तो हमारा निकल के आ गया, क्या निकल गया, दूसरी इक्वेशन आ गई, दो वेरिएबल दो इक्वेशन, अब तुम सॉल्व कर लोगे। अब ये डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन हो जाते हैं, अब इसमें ज्यादा डिफिकल्ट जैसा कुछ है नहीं, बस एंगुलर मोमेंटम, लोग डरते हैं हमेशा पता नहीं एंगुलर मोमेंटम से, तो उसको लगाना आना चाहिए, फिर ये सब छोटे मोटे आर्ग्यूमेंट करना आना चाहिए, ये सब हमने वैसे काइनेमेटिक्स में सीखा हुआ है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, सेपरेशन, सब कुछ।